नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका किसान मित्र प्रशांत। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो जिप्सम के बारे में, और इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमें मुनसुख भाई ने कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आपकी डिमांड पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों पहले समझ लीजिए जमीन में क्षार क्यों आता है। तो दोस्तों इसके मेन दो रीज़न होते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो क्षार बढ़ता है, और या फिर आप क्षार वाला पानी मतलब कुएं या बोर का पानी जिसमें क्षार बहुत ज़्यादा है उसको अपने फसल के लिए यूज़ कर रहे हो तो भी दोस्तों क्षार बढ़ता है। तो इससे बचने के लिए आप जो है सॉइल टेस्ट कीजिए दोस्तों पहले मेथड में, मतलब जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हो वो डालने से पहले दोस्तों सॉइल टेस्ट कीजिए, और जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से जो है खाद डालिए। जिससे क्या होता है आपके पैसे बचेंगे और सॉइल हेल्थ भी बच जाएगी दोस्तों। ज़्यादा जो आप केमिकल डालते हो तो फर्टिलाइज़र जो आप डालते हो वो फसल के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ले लेता है, बाकी का निष्क्रिय अवस्था में ज़मीन में पड़ा रहता है दोस्तों। तो ये भी ये रीज़न होता है। और क्षार पानी जो है आप डायरेक्ट क्षार ही अपने ज़मीन में दे रहे हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए क्षार का पानी जो है जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। दूसरा पानी का स्रोत ढूंढिए दोस्तों, या फिर आप बोर का या कुएं का पानी है तो मशीन मिलता है दोस्तों, उसके बारे में नेक्स्ट और एक बार वीडियो बनाऊंगा, जो क्षार को कम कर देता है दोस्तों। क्षार तो रहता है लेकिन क्षार का प्रमाण जो है कम कर देता है, वो क्या है वो टेक्निक मुझे भी जानना है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो जो है डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी जानते हैं कि मिट्टी में क्षार जब बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत आती है। दोस्तों एक तो मिट्टी का जो पीएच लेवल रहता है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने से दोस्तों मिट्टी हार्ड हो जाती है, मिट्टी में डल्ले बनना शुरू होते हैं, और जो फसल रहती है उसके ऊपर के पत्ते जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और जो फसल होती है दोस्तों उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हो नहीं पाती है। तो ये सभी दिक्कतें आती है जब क्षार बढ़ जाता है दोस्तों। तो अभी जानते हैं दोस्तों कि जिप्सम क्या है। जिप्सम दोस्तों एक सॉइल कंडीशनर है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। तो कैल्शियम दोस्तों 23.5%, मैग्नीशियम 2 से 2.5%, और सल्फर जो होता है वो 18.5% होता है दोस्तों। अभी बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे मृदा रक्षक हुआ दोस्तों, मैं पिछली बार यही यूज़ किया था। इसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के अलावा नीम डस्ट है, ह्यूमिक एसिड है, सी वीड एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारे इन्होंने इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों। तो एक बढ़िया बढ़िया है ये मृदा रक्षक का जो जिप्सम आता है वो। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके रेट के बारे में। दोस्तों ये 180 से 250 रुपये का बैग आता है। एक एकड़ के लिए आप कम से कम 15 से 16 बैग आप जो है यूज़ कर सकते हो। एक साल में सिर्फ एक ही बार यूज़ कीजिए दोस्तों, जो जिप्सम होता है उस एक साल में एक ही बार यूज़ कीजिए, और बेस्ट रिजल्ट के लिए दोस्तों इसको गर्मियों के दिनों में यूज़ कीजिए। पहले खेत की जुताई कीजिए, उसके बाद इक्वली सभी और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब छिड़काव कीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है रोटर चलाइए। रोटर से क्या होता है दोस्तों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, और एक जीव होता है दोस्तों, तो बहुत ही परफेक्ट होता है जब आप रोटर चलाते हो, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है मिट्टी में मिला सकते हो, ये एक परफेक्ट तरीका है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपने जो है जिप्सम डालने के बाद क्या प्रक्रिया होती है और इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों पहले आप जिप्सम का एक दो बार यूज़ करते हो तो विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता दोस्तों, 3-4 साल बाद, मतलब 1-2 साल यूज़ किया उसके बाद तीसरी बार या चौथी बार में आपको क्लियर रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरा एक 3 एकड़ का प्लॉट है, उसमें जो है क्षार का ज़्यादा है, क्षार का प्रमाण जो है ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने अभी जो है पर्कुलेशन पाइप डाल दिया है, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम जिप्सम का यूज़ भी नहीं करते, जिप्सम का थोड़ा आइडिया भी नहीं था। तब हमने मकई की खेती की थी, और मकई की खेती में दोस्तों प्लांट का ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हुआ, पत्तियाँ जो होती है दोस्तों वो लाइट ग्रीन ही रही, खाद डालने के बाद भी लाइट ग्रीन ही रही, और जो है भुट्टे का साइज छोटा था, और ऊपर के दाने जो है वो मैच्योर नहीं हो पाए, वो कमज़ोर हो गए। तो दोस्तों जब हमने जिप्सम के बारे में सुना तो हमने अप्लाई किया दोस्तों, तो पहले 2 साल में हमको विजिबल रिजल्ट नहीं मिला दोस्तों, उसके बाद जो है विजिबल रिजल्ट मिला। तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि क्या क्या होता है जब आप जिप्सम मिलाते हो। दोस्तों जो आप एनपीके यूज़ करते हो ये डायरेक्टली जो है प्लांट को नहीं मिलता, प्लांट उसको खींच नहीं पाता, इसलिए एनपीके के बैक्टीरिया मिलते हैं उसको अप्लाई कीजिए। ज़्यादा रासायनिक खाद के बदले जो है गोबर खाद यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट का खाद यूज़ कीजिए,
शीर खाता आता है, कोमड़ी खाता आता है, वो मिक्स कीजिए दोस्तों, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। और जो है बैक्टीरिया होती है वो भी बढ़िया रहते हैं दोस्तों, अगर आप बैक्टीरिया देते हो तो वो भी अच्छी तरीके से काम करते हैं दोस्तों। जो आप खाद डालते हो जो निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहती है दोस्तों, उस खाद को सक्रिय करके प्लांट तक पहुँचने का काम ये जिप्सम करता है दोस्तों। बैक्टीरिया भी सेम काम करती है और जिप्सम भी वही काम करता है। जिप्सम मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद सोडियम सॉल्ट जो होता है वो मिट्टी से नीचे चला जाता है दोस्तों, रूट जोन जो होता है नीचे चला जाता है, और जो फसल की जो रूट होती है, रूट जोन होती है दोस्तों, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है। जो फसल आप लगाते हो दोस्तों उसका लीफ कलर जो होता है वो डार्क ग्रीन बन जाता है और फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप किसान हो तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फसल बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका फ़ायदा। और एक फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों, अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करते हो रोज़, तो दोस्तों मिट्टी में एक सुपिकता आ जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी में हवा का आवागमन जो होता है वो बढ़िया तरीके से होता है। मिट्टी में अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, अगर आप कम आपके पास कम पानी है तो भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हो दोस्तों। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, क्योंकि जो सूक्ष्म मानव द्रव्य होते हैं जैसे जिंक हुआ, फेरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, बोरॉन, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म मानव द्रव्य होते हैं जिसके बारे में हम जो है सोच नहीं पाते, उसको भी हमको अप्लाई करना चाहिए दोस्तों ज़मीन में। और बैक्टीरिया का भी आप खास ख्याल रखिए दोस्तों, जैसे NPK बैक्टीरिया हुआ, और जो है ट्राइकोडर्मा वगैरह होता है दोस्तों, वो भी स्प्रे कीजिए, उसका भी यूज़ कीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होता है। और ड्रेंचिंग भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ड्रेंचिंग जो रूट जोन होता है उसमें जो फंगस आना जो शुरू होता है वो भी नहीं आएगा। और सॉइल हेल्थ के बारे में आप ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों, ज़्यादा जो है उस पर ध्यान रखिए तो आपको बाकी के जो मतलब फसल अगर स्वस्थ रहेगी तो ऊपर आपको स्प्रे कम देना पड़ता है, लेकिन अगर मिट्टी में ही दिक्कत होती है तो आपको ज़्यादा जो है उस पर फोकस करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आई होप मनसुख भाई आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मनसुख भाई की तरह हमसे जुड़ी है, और आपका जो भी सवाल है दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों। जय हिंद।